बेवकूफ हैं ये परियां, नहीं जानती कि कल इस सच्चाई के सिंहासन पर बुराई बैठेगी, दुनिया की सबसे बड़ी बुराई। कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है, पर मैं इस कहावत को बदलने वाली हूं। अब बुराई जीतेगी और सच्चाई बैठकर आंसू बहाए। जितना अधिकार आपका इस सिंहासन पर है, उतना ही अधिकार मेरा भी सिंहासन पर। अरे अगर नहीं दौड़ाता मैं अपने दिमाग के घाती घोड़े ऊंट, तो नहीं ले पाती आप कभी भी पुनर्जन्म। अरे भयंकर, परी भयंकर, परी भयंकर। अरे हो सत्यानाश तुम परियों का और तुम्हारे पालवीर का। अरे मिल जाए मिट्टी में तुम्हारा परी लोग। देखो बना दिया आपको रोग। अरे कोई है, 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 कोई है, कोई है यहाँ, कोई लेकर आओ वापिस। बुराई के देवता, देवता दो मेरे परी भयंकर को जीवन फिर से, फिर से, ताकि ताकि हो सके फिर से बुराई का पुनर्जन्म। करो बुराई का पुनर्जन्म, करो करो बुराई का पुनर्जन्म। बुराई का पुनर्जन्म, बुराई का पुनर्जन्म। अरे गया कैसे फूल तू, तोबा तोबा। कहा था परी भयंकर ने तुझसे कि ले सकती वो पुनर्जन्म और हो सकती है जीवित फिर से। चलो तोबा तोबा, हे आ गया समय तुम्हारी परी भयंकर को फिर से जीवित करने का। हे आ गया आपका प्रधान आपको जीवित करने। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं तुम्हारे एहसान। हाँ था बताया मुझे परी भयंकर ने कि जब होगा उनका अंत तो मिलेगी वो मुझे दोबारा उनके सिंहासन के नीचे। अपने इस नए और भयंकर रूप की बधाई हो, बधाई हो।
बुराई की मशाल फिर से जलने की बधाई हो। बधाई बधाई। कौन हो आप? क्योंकि है नहीं, ये तो मेरे परी भयंकर का रूप। घबराओ मत तौबा तौबा, सिर्फ मेरा रूप बदला है, मैं नहीं। अंदर से आज भी मेरी रूह भयंकर परी की है। चालाकी चालबाजी सब वही है, खेल भी वही है, सिर्फ खिलाड़ी बदला है, शिकार वही है, बस शिकारी बदला है। और इस बार पहले से भी ज्यादा भयंकर और शक्तिशाली भी। सच? यानी अब होगा बालवीर और परियों का विनाश? हाँ, पर इस बार एक नए रूप में और नए तरीके से। ऐसा भयंकर खेल रचूंगी कि परियों के साथ साथ उनकी अच्छाई भी कांप उठेगी, और इस बार उनके बीच में रहकर उनका विनाश करूंगी। ठीक है तौबा तौबा, तुम भी अपने मन की मुराद पूरी कर लो है? एक बार इस सिंहासन पर बैठ जाओ। सच? अरे एक बार नहीं, बैठूंगा बार बार मैं सिंहासन पर और चलाऊंगा हुकुम परियों पर। बाल परी है लगी हमें प्यास, थोड़ा जल पान कराओ। परी भयंकर, लेंगी आप भी कुछ? चुप! तौबा तौबा, ऐसा हुकुम आप चलाएगी परियों पर? तुमने ठीक कहा तौबा तौबा, उन बेचारी परियों को जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। बस एक बार मेरा राज अभिषेक हो जाए, फिर ये रानी परी बुराई की ऐसी बारिश करेगी कि उन परियों की सारी अच्छाई उसमें धुल जाएगी। कल रानी परी के पास जो विश मांगी है, उसकी वजह से वो हमारे पास सुपर किट तो जरूर भेजेगी। जैसे सुपर किट आएगा ना, मैं अपना इंट्रो दे दूंगा। हाय, आई एम रॉनी एंड आई एम द बॉस। नहीं नहीं, अगर बॉस कहा और उसे बुरा लग गया तो? नहीं नहीं, हाँ मैं उसे कहूंगा, हेलो सुपर किट, वेलकम टू इंडिया। अरे यार, ये रोड रोलर रॉनी पागल हो गए। अगर वो सुपर किट तालवीर निकला तो इसे वेलकम की जगह गम देकर जाएगा। रोहित केवल, तुम लोग वहाँ पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? जल्दी से आगे आ जाओ, सुपर किट तभी भी आ सकता है, तुम्हें उसको वेलकम नहीं करना है। अरे बॉस, अगर वो सुपर किट तालवीर हुआ ना तो आपको उसके वेलकम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि वो सीधा आपके कंधे पर लैंड करेगा और आपका बुके नीचे गिरेगा। डोंट एंग्री रॉनी, तुम लोगों ने क्या मुझे मोंटू समझ के रखा है? अगर वो तालवीर भी होगा ना तो भी मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम लोग को नाश्ता चाहिए ना तो अभी का भी आओ, वरना नाश्ता कैंसिल। नहीं 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 बॉस, नाश्ता नहीं, नहीं बॉस, नहीं नहीं बॉस, नहीं, शाम का नाश्ता कैंसिल मत करो। अब जल्दी पूछो कहाँ खड़े हो ना। बस मेरे आजू बाजू। हाँ खड़े हो गए बॉस, अभी नाश्ता कैंसिल मत करना। पाप को देता हूँ फाड़, अत्याचार को देता हूँ चीर, नहीं कोई तुक्का, मैं हूँ तीर, शक्तिशाली है जिसका शरीर, कहते हैं उसे तालवीर, तालवीर, तालवीर। मार गए, तालवीर। ओह!
माफ करना दोस्त, माफ करो, माफ करो, ये दो, माफ करना दोस्त, ये मेरी एंट्री करने का स्टाइल है। जब भी करता हूँ मैं एंट्री, बढ़िया लगती है कानों में घंटिया, टन 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 टन। तालवीर जी, वेलकम टू इंडिया, माय सेल्फ रॉनी, हाउ डू यू डू? कुछ कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? हुई ना, तुमको हुई? जस्ट जोकिंग मैन। तुम्हें हो वीरों का वीर तालवीर, गुरु ऑफ बालवीर। रानी परी ने भेजा है मुझे तुम्हारा भेजा ठीक करने, मतलब तुम्हारी मदद करने। ओहो, एक मिनट, आप बालवीर के गुरु है? हाँ। तो फिर तो आप बालवीर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल होंगे ना? कोई शक, कोई शक, कोई शक? नो 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 शक। हाँ। रोहित केवल, तुम दोनों पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? इधर आओ। अरे आ तो गए। तालवीर जी, ये लोग कह रहे थे कि आपने इनका बहुत बैंड बजाया है। याद है, याद है मुझे, मोंटू की वजह से हुआ जो हुआ, वो तो शैतान बच्चा है, इसलिए बैंड बजी उसकी और साथ में इनकी भी बजी। लेकिन तुम मुझे समझदार बच्चे लगते हो, समझदारी से रहोगे तो बच्चे रहोगे। सुना तुम लोगों ने, अब जल्दी से सॉरी बोलो इन्हें। सॉरी बोलो रानी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ तालवीर जी, देखे ना, जब से हम अच्छे बच्चे बने ना कोई हमें परेशान करता रहता है, सताता रहता है, मारता रहता है या फिर पीटता रहता है। इतनी सी बात? अभी देता हूँ मैं तुम्हें उड़त फिरत यंत्र। ये लो, ये लो, ये लो। जब कोई शैतान बच्चा तुम्हें परेशान करेगा तो इसे घुमाते ही तुम आसमान में उड़ जाओगे। वो? ये ऐसे ही। मुझे पता, करोगे इस यंत्र से तुम कोई शैतानी, परंतु तब नहीं चलेगा यंत्र और पड़ेगा उल्टा तुम पर। चलो रोहित केवल, तुम्हें याद है ना मुझे कैसे बुलाना है? जी, तबला बजा बजा के, डुम 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 और ठुमका लगा लगा के। तालवीर खुश हुआ, तालवीर बहुत खुश हुआ, तालवीर बहुत खुश हुआ, तालवीर खुश हुआ। पकड़ो, अरे मुझे भी पकड़ो। इनके बजाते ही मैं तुम्हारी बैंड बजाने, मतलब तुम्हें बचाने आऊंगा। तो तालवीर चला, अलविदा। फुर, फुर, फुर। तू बैटिंग कर, मैं बॉल। अब देखो रॉनी का कमाल। नहीं, रानी परी।
तो से अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को अपनी रानी बना रही। ये नादा नहीं जानती कि आज से इनकी बर्बादी की कहानी शुरू होने जा रही है। रानी परी, परीलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, आइए बैठिए ना। परीलोक का सिंहासन अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। बालवीर। जी माँ। रानी परी, अब परीलोक की बागडोर आपके हाथों में। जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, आज वो मेरी मुट्ठी में है। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। हम अपना कर्तव्य पूरे आदर और निष्ठा के साथ निभाने का वचन देते हैं, और साथ ही आज से हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरे ब्रह्मांड में बुराई का नाश किया जाए। बुराई का अंत करने के इस प्रयास में हमने बालवीर को ढूंढा, जो परीलोक और पृथ्वी लोक में सबकी सुरक्षा करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बालवीर ने अपना काम बखूबी निभाया है। लेकिन शायद हम सबसे एक गलती हो गई है। गलती? हाँ, गलती। कल जब हमने परीलोक की इतिहास की किताब को पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि परीलोक और पृथ्वी लोक की रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि दो वीरों को चुना गया है। एक है बालवीर और दूसरा जयवीर।